प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी युगलों को किया अधमरा, देखिए रिपोर्ट। प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी युगल को किया अधमरा। मामला बस्ती जिले के नगर थाना के मरवटिया गांव का है, जहां बुधवार की देर रात को प्रेमी को प्रेमिका के घर वालों ने प्यार की ऐसी सजा दी कि प्रेमी को पहले सिर पर बांस से कई वार करते हुए दोनों हाथ तोड़ डाले। बीच बचाव करने आई प्रेमिका को भी पीट पीट कर अधमरा कर दिया। गंभीर हालत में प्रेमी युगल को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार आकाश यादव का गांव के सरिता चौरसिया से पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग से लड़की के घर वाले खफा थे। वहीं लड़की के घर वालों का आरोप है कि आकाश उनके घर में जबरदस्ती घुसकर उनकी लड़की का हाथ पकड़कर खींच रहा था। मना करने पर मारपीट करने लगा, जबकि आकाश यादव ने बताया कि वह अपनी माँ की दवा लेने बेलाड़ी जा रहा था। जैसे ही घर के मोड़ पर पहुंचा, लड़की के पिता राम प्रकाश चौरसिया, ओम प्रकाश और राजेश चौरसिया ने मुझे गाली देकर रोका और फिर एक बांस व ईंट से हमला कर अधमरा कर दिया। आकाश ने बताया कि उसका सरिता से पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी से खफा होकर मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालत गंभीर होने के कारण हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। मिली तहरीर के आधार पर तो मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है, जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आज 15 दिसंबर को शाम को 7 बजे थाना नगर के मरवटिया से सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर एक लड़का लड़की को लड़की के परिवार वालों ने काफ़ी मार दिया है। इस सूचना पर थाना नगर की फोर्स फौरन मौके पर पहुंची और लड़का लड़की को जिला अस्पताल लाकर उनका इलाज कराया जा रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इनका प्राथमिक उपचार चल रहा है, इनको हायर सेंटर पर रेफर किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि लड़का लड़की से मिलने आया था, इनके बीच में पूर्व से संपर्क था। जब लड़का लड़की से मिलने आया तो चूँकि इनका संबंध लड़की के परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने इन दोनों को मारा है। प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि ये चोट लाठी डंडे से आई है। इस संबंध में लड़के के परिवार से तहरीर लेकर के मुकदमा लिखा जा रहा है और जो अपराधी हैं जिन्होंने घटना कारित की है उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगी हैं। हमारे दंडाधिपति अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, मौके पर फोर्स है, शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।